किसान भाइयों और बहनों, आपकी धान की जो फसल में ब्याँत पूरा हो चुका होगा, पौधों की लंबाई अब इस समय बढ़ रही होगी, साथ ही साथ इनमें बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम जननिक अवस्था कहते हैं। जब बालियां आप निकली हुई खेत में दिखाई देती हैं, उसके एक महीना पहले वास्तव में बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जो हमें किसान भाइयों आँखों से दिखाई नहीं देती। ये जननिक अवस्था होती है और इस अवस्था पर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। जो आपकी एक तिहाई मात्रा है उसका आप प्रयोग करें, जो भी संस्तुत दर हो। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन को धान में 3 बार लगाया जाता है, तो अब अंतिम खुराक का समय आ गया है। मोटे तौर पर रोपाई के 55 से 60 दिन पे इस खुराक का आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जब जननिक अवस्था होती है, बालियां बन रही होती हैं पौधे के अंदर या वो बाहर निकल आती हैं, उस समय पर पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था पर आपको अपनी मिट्टी को हमेशा गीला रखना है। इसके लिए हो सके तो आप 2 से 3 सेंटीमीटर पानी अपने खेत में खड़ा रखें। चाहे धान आपने सीधी बिजाई से लगाया हो, चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो, दोनों ही दशाओं में इस अवस्था पर खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार धान की फसल में इस समय पर आपके खरपतवार भी रह गए होंगे, क्योंकि शुरू में आप 30-35 दिन तक रासायनिक विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन इस अवस्था पर कोई भी रासायनिक विधि काम नहीं आएगी। अब जब खेत में आपके पानी खड़ा हो तो आप वहां से खरपतवारों को निकाल दें। किसान भाइयों, ये धान का पौधा है, इसमें ओरिकिल और लिग्यूल संरचनाएँ दिखाई देती हैं। अगर आप पत्ती को हटाएंगे तो ये आप देखिए ध्यान से, ये लिग्यूल है, ये संरचना लिग्यूल है जो धान के पौधे में होती है, और जो आमतौर पर घासे धान में होती है उनमें संरचना नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इसमें साइड में आपको ओरिकल दिखाई देगा, 2 लोब वाली संरचना, 2 कान की तरह होते हैं ये। ये आपका बड़ा सांवक है जिसको इकाइनोक्लोआ क्रूसगैली कहते हैं। इसकी पत्ती का आवरण अगर आप हटाते हैं तो इसमें ओरिकल और लिग्यूल जो आपने धान की फसल में देखा है इसमें नहीं पाया जाता। आप कोई भी पत्ता हटा के देख लें, यहाँ होना चाहिए जहाँ पे पत्ती का ब्लेड और आवरण मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी ओरिकल या लिग्यूल नहीं है। फिर एक पत्ता उखाड़िए आप, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये कोलोनम खरपतवार है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, जिसे सांवक कहते हैं। इसके भी पत्ते के आवरण को आप हटा के देखेंगे तो इसमें ओरिकल या लिग्यूल कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पे ओरिकल और लिग्यूल होना चाहिए जो कि नहीं होता। आप और पत्ता हटा के देख सकते हैं, यहाँ पर कोई संरचना नहीं है। जिन किसान भाइयों ने धान की बीज फसल लगाई है, यानी जो किसान भाई बीज उत्पादन कर रहे हैं, उनको भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो दूसरी किस्म के पौधे आपकी फसल में दिखाई दे रहे हों, ऑफ टाइप हों, उन सबको निकाल दें।